सो यू कैन हैव दिस और आइए यहाँ पे टोपा भी ट्राई कीजिए बर्गर के साथ साथ। सो फाइनली यहाँ पे एक हमारे रांची में मतलब कि प्रॉपर बर्गर आउटलेट खुल चुका है, मतलब कि मैकडोनल्ड्स नहीं था, बर्गर किंग नहीं था और फाइनली बर्गर किंग आया है। और अभी मैं कहाँ पे हूँ मैं आपको एक बार ब्यौरा दे दूँ, तो मैं रांची के न्यूक्लियस मॉल का फूड कोर्ट में हूँ, ठीक है, और लिटरली बता रहा हूँ उस ओर बर्गर किंग खुला है। लिटरली पूरा का पूरा फूड कोर्ट का ऑडियंस एक तरफ कंसंट्रेट हो गया है, ठीक है। फिर मैंने उनका मेन्यू चेकआउट किया, मतलब कि वो जो होता है ना स्क्रीन जो चल रहे होते हैं, लिटरली इतना सस्ता प्राइसिंग, अनएक्सपेक्टेड प्राइसिंग, एकदम अनएक्सपेक्टेड प्राइसिंग का, मतलब कि बाकी बर्गर आउटलेट से काफ़ी चीपर है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं एक एक बर्गर लेने वाले हैं, तो जो भी कुछ हम लोग टेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको इसका मतलब कि बताएंगे कि इसका बर्गर बाकी आउटलेट्स की वजह से मतलब कि जो कंपैरिजन में मतलब कितना जाने वाला है, ठीक है। तो चलो लेते हैं, क्या दें, वेज लेगा नॉन वेज लेगा? नॉन वेज ट्राई किया जाए। चलो ठीक है, सो होपफुली एक बार आप यहाँ नज़र कर लो, ठीक है। पूरा जितना भी फूड कोर्ट है ना सबका भीड़ एक जगह कलेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखो टोटली मतलब हमको ऑर्डर करने के लिए लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, हमको पक्का यकीन है, क्या दी ऐसे वीडियो भी आप अलाउ नहीं है मॉल में। नेक्स्ट डे सो ये पूरा रिस्की ऑपरेशन हम लोग चलाते हुए, वो कल का वीडियो जो हमने स्टार्ट किया था वो अभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि कल हम लोग वापस आ गए थे जस्ट बिकॉज वो लोगों ने ब्लॉक करने के लिए मना कर दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मॉल वगैरह में ऐसे फूड कोर्ट में करने नहीं देते हैं, क्या आदि आज, बट हम लोग के पास एक उपाय हो सकता था कि हम लोग परमिशन लेकर के आ जाते, बट वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि अभी उनका चल रहा है मीटिंग, सो कॉल्ड नहीं हो पाएगा। बाकी जो है अभी हम लोग हाथ से ही कर लेते हैं। सो अगर मान लो थोड़ा बहुत साउंड क्वालिटी के साथ दिक्कत हो तो समझ लेना यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगर आप इनका मेन्यू चेकआउट करें ना तो काफ़ी चीपर रेट है, ठीक है, मतलब 50 रुपीज़ से वेज बर्गर स्टार्ट है और 70 से नॉन वेज बर्गर, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये चीज़। और नॉन वेज में भी जो बर्गर है ना वो नॉर्मल बर्गर नहीं है, अगर आप देखें तो क्रिस्पी चिकन बर्गर, सो और क्या चाहिए। खैर चलो देखते हैं हम और आदि अभी क्या लेते हैं, उसका डायरेक्टली आपको दिखाएंगे। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया बर्गर और वेज बर्गर के लिए हम लोग ऑप्ट करने वाले नहीं हैं, सॉरी बट अगर मैं वेज बर्गर अगर आपको दिखाना चाहूँ ना तो वो मैं बाद में आपको क्लिप कर दूँगा, और मतलब कि अगर मैं दोबारा कभी ऑर्डर करता हूँ तो होपफुली शायद शाम में या कल मतलब अगर वेज बर्गर मैं ट्राई करता हूँ तो मैं इसमें क्लिप कर दूँगा जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आप फॉरवर्ड करेंगे आगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, हालांकि फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का बर्गर आ रहा है तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे। और क्रिस्पी बर्गर जो है वो तो खाली 70 का है, लेकिन हम लोगों ने चीज़ी क्रिस्पी बर्गर लिया है जिसमें कि आपको टोटली हो जाता है 90 रुपीज़ का, ठीक है। तो देखते हैं इसमें चीज़ी के नाम पर चीज़ में क्या मिलता है, चीज़ स्लाइस मिलता है या मतलब बर्गर के अंदर चीज़ होने वाला है, क्या तुमको क्या लगता है? स्लाइस मिलेगा, एक्स्ट्रा स्लाइस मिलेगा ना, उम्मीद है। देखते हैं। और देखो एसीएस का बर्गर मैंने ट्राई नहीं किया है तो उसके लिए मेरे को गाली मत देना, खैर आदि ने ट्राई किया है तो आदि कंपेयर करके बता देगा, और बाकी जितना बर्गर मैंने जिस जिस जगह का ट्राई किया है उस हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है। सो टोटली आप लोग इसमें देख सकते हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी सारा चीज़ों का जितना भी चीज़ों का प्राइस है ना काफ़ी सस्ता है, ठीक है, लिटरली काफ़ी सस्ता है। सो होपफुली रांची पसंद करेगा इसको। एंड हियर इज़ आवर बिल, 189 रुपीज़ लगा है, 90 का था वैसे तो जैसे मैंने बताया, बट इसमें टैक्सेस भी लगता है, सो वही 4.5 रुपये का टैक्स। अभी आधे अपना फ़ोन पे जो मेन्यू का पिक लिया था वो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। लिटरली कोई बर्गर वाला, इसको थोड़ा सा उठाओ यार, ये चमक रहा है, ये देखो, लिटरली कोई बर्गर वाला कैलरी लिखता है, मतलब कि हर एक बर्गर के साथ यहाँ पे कैलरी लिखी हुई है कि आपको आप कितने कैलरी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये एक वेज वाला बर्गर लिए हैं, क्रिस्पी वेज बर्गर, ठीक है, तो ये 50 रुपये का है और इसमें कैलरीज कितनी मिल रही है, 361। तो देख लो भाई, अगर कोई कैलरी काउंट एकदम से नाप तोल कर रखता है ना तो उनके लिए ये भी है। एंड हम लोगों का बर्गर जो था क्रिस्पी चीजी, हाँ चीजी क्रिस्पी चिकन, 471। लो भैया, तो ये इनका बर्गर है और जैसा कि आदि ने बोला तो चीज स्लाइस एक चलेगा, सो ये चेडार चीज वाला जो चीज स्लाइस है वो इसमें गया है, साथ में मेयो है और ऑनियन है और ओके फ्राइड चिकन पैटी, ठीक है, बोले तो बड़ा साइज का नगेट, ठीक है। चलो साथ में दिया गया है केचप,
अच्छा। पैटी का टेस्ट बहुत सही है और मेरे को सबसे बढ़िया ना लगा इनका बर्गर का जो बन है, ठीक है, लिटरली काफ़ी अच्छा बन है इसका। और अगर आप देखें तो मैं बात करूँ इनकी बर्गर की, तो बर्गर लिटरली काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है। और बोलूँ ना तो ये जो एक तो बोलूँ कि जितना जगह अगर आपको अगर बर्गर में देखना चीज़ स्लाइस दिखेगा ना, तो प्रोसेस चीज़ का स्लाइस दिखेगा। और ये जो है इसके अंदर चिराड़ डाल, और अगर बोलूँ कि चिकन का टेस्ट, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है। मोर ओवर एक बड़े साइज़ का नगेट की तरह है इसका पैटी जो है, ठीक है। और क्योंकि वो नगेट मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना क्योंकि वो प्रॉपरली राउंड नहीं था, वो दिस वाज लाइक द सेप, ठीक है। और टेस्ट बोलूँ तो टेस्ट के हिसाब से अच्छा है, और 70 रुपये के हिसाब से भी अच्छा है, और 90 रुपये के हिसाब से भी अच्छा है इसमें एक चीज़ स्लाइस डल रहा है। तो बेसिकली आप इसको एक ऑप्शन बना सकते हैं। और बाकी ACS से आपको आदि इसे कंपेयर करके बताएगा कि ACS के मुकाबले में कितना अच्छा है। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। एंड ये मार्केटिंग का नया नया कुछ हिसाब है, ये टोपास दे रहे हैं तो आप इसे टोपा ले सकते हैं, और टोपा को यहाँ पे जैसे आदि को मैंने पहना दिया आप इसे पहना सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन हैव दिस, और आइए यहाँ पे टोपा भी ट्राई कीजिए बर्गर के साथ साथ। कैसा लगा? सही है। ACS का प्राइस कितना पड़ता है रे फ्राइड चिकन वाला? ACS का प्राइस 115 पड़ता है और 70 है। हाँ तो उस हिसाब से सही है क्या? सही है। ACS का साइज हल्का तो छोटा है। टेस्ट वाइज ACS में जो फ्राइड चिकन जाता है ना वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। अच्छा, वो मतलब कि दोनों टेस्ट अपना अपना जगह अलग है। अच्छा, मतलब कि हम एक ही तरीके से बोल सकते हैं कि देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ठीक है। ये जो है शायद ब्रेड क्रम, ठीक है, ये जो इसका पैटी या नगेट जो बनाया गया है वो ब्रेड क्रम वाला कोटिंग वाला है, और जो लोग वो लोग फ्राइड चिकन यूज करते हैं वो मैदा का कोटिंग वाला जो होता है वो हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये ब्रेड क्रम वाली है, ठीक है। बाकी टेस्ट वाइज बोलो अधिक कैसा लगा? टेस्ट वाइज बहुत सही है, यहाँ का भी प्राइसिंग बहुत सही है, लाइक बीट करेगा बाकी मार्केट में, बीट करेगा क्योंकि वही प्राइसिंग काफी कम कर दिया है ये बर्गर का। चलो इसको अभी हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। लास्टली अगर मैं बोलूं कि आपको बर्गर किंग का बर्गर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आइए, जरूर आइए यहाँ टेस्ट करके जाइए, और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और रहा बात कि अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे कि ACS वगैरह वाले ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे बेसिकली बर्गर के लिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर ACS की प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर जाती है तो उसमें माल मसाला भी बढ़ जाता है, ठीक है। और इसलिए मतलब कि जो कुछ हमें दिखा हमने आपको दिखा दिया। और एक चीज़, जिनको टमाटर नहीं पसंद है, इनके बर्गर में टमाटर नहीं था ना? नहीं, पता नहीं वेज वाले में शायद हो, मे भी पसंद। लेकिन हाँ, अगर मैं टेस्ट का सिर्फ बात कर रहा हूँ, प्राइसिंग का बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा रेट है, ठीक है, और यू कैन ट्राई, ठीक है। और रहा बात की इनकी पैटी का थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है, मतलब क्रिस्पी चिकन अगर बर्गर मैं बोलूँ तो इसके जगह पे वो एक क्रिस्पी चिकन डाल सकते थे, ठीक है, क्या आदि मतलब इसमें नगट वाली फील थी। आप अगर इसे जो ब्रेडक्रम वाली कोटिंग होती है ना, तो ये नगट वाली फील आ जाता है, और नहीं तो इसे अगर जो मैदा वगैरह वाली फ्लावर वाली मतलब की कोटिंग दी जाती तो ये फ्राइड चिकन का टेक्स्चर पड़ता, सो वो किया जा सकता था और ज़्यादा क्रिस्पी लगता। बट टेस्ट अगर मैं बोलूँ तो टेस्ट इसका अच्छा था, और बस एक क्रिस्प वाली फील अगर आ जाती तो मज़ा आ जाता। सो होपफुली यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, और अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मतलब कि इतना अच्छा अभियान चला के हम लोगों ने चुपके चुपाते मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो बहुत बड़ा बात है क्या आदि? हाँ, अभी भी रिस्क ऑपरेशन चल रहा है। आप सबका प्यार के लिए इतना हम लोग रिस्क उठाते हैं, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इतना जल्दी 1000 पहुँचा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर किया, इतना प्यार दिया है, उसके लिए लिटरली बहुत शुक्रिया। और इसके लिए मैं सेपरेटली कभी एक बार हो सकता है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो चलिए अभी क्या, आप लोग मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चिल्ड्रन, बाय बाय।